करंट की एक नई का नाम है भारत एवं विश्व में प्रथम, भारत एवं विश्व में प्रथम। ठीक है, ये टॉपिक अधूरा रह गया था उस दिन, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मोबाइल में। ठीक है, मैं याद करवाना चालू कर रहा हूँ बेटा ट्रिक। गुंजन प्रजापति नमस्ते बेटा, प्रदीप ठाकुर नमस्ते, ज्योति राणा नमस्ते बेटा, कृष्णा नमस्ते। ठीक है, करते हैं स्टार्ट बेटा, टॉपिक है, टाइम कम है। भारत में विश्व में प्रथम। ठीक है, उस दिन ये थोड़ा सा चल गया था बेटा, हर घर आरो जल वाला पहला गांव। तो मैंने बताया था बेटा, आरो का जल भर भर के पियेंगे, भरतोल। कहां पे है ये? यूपी में। कहां पे है बेटा ये? यूपी में। हर घर आरो जल वाला गांव जो है, भरतोल, कहां पे बेटा ये? यूपी में। कहां पे? यूपी में। आरओ का जल भर भर के तोल, आरओ का जल भर भर के तोल, आरओ का जल जो है भैया, भर भर के तोलेंगे यूपी वाले। कौन तोलेगा? यूपी वाले। कौन तोलेगा? यूपी वाले। ठीक केरल की पहली महिला एयर होस्टिस, शॉट मार रहा हूं बेटा, एयर होस्टेस कौन होती है बेटा? एयर होस्टेस होती है, जैसे आप किसी होटल में जाओ तो होटल में तो एक तरीके से होता है, सेवा देने वाले को वेटर कह देते हैं। होटल में जो सेवा देते हैं, होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स करते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? आगे कर लेता हूँ बेटा थोड़ा। हिमानी गुड मॉर्निंग बेटा, लकी सैनी, मंजिली सोम नमस्ते बेटा। ठीक है, आओ बेटा जल्दी जुड़ जाओ। क्लियर चमक रहा है बेटा? ठीक है, ओके, अब चलूं करूं स्टार्ट? चमक रहा है? क्लियर? लो बेटा, और ठीक है, अब तो उम्मीद करता हूं क्लियर चमक रहा होगा बिल्कुल। हिमांशी गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, केरल की पहली महिला जो आदिवासी है बेटा, पहली खासियत क्या है इनकी? आदिवासी। पहली खासियत क्या? आदिवासी। आदिवासी भैया किसे कहते हैं? आदिवासी। आदिवासी जो आर्थिक या शैक्षिक तौर पर पिछड़े हुए जंगल वगैरह में जो रहते हैं बेटा, जहां पे सड़कों का, स्कूलों का, इन चीजों का थोड़ा अभाव है। ठीक है, तो केरल की पहली महिला आदिवासी एयर होस्टेस, बताओ हवाई जहाज तक उड़ाने पहुंच गए बेटा आदिवासी, आजकल कहां पहुंच गए? ठीक है, तो गोपिका गोविंद। ठीक है, केरल खाके आदिवासी महिला हवाई जहाज उड़ाएगी, कौन सी? गोपिका। गोपिका क्या करेगी? गोपी, गोपिका, गोपिका भैया आदिवासी महिला है, पहली आदिवासी महिला। प्रीति नमस्ते। ठीक है, देखो बेटा, गोपी का पहली आदिवासी महिला जो करेला खाके है, गोपी पहली आदिवासी महिला भारत की जो करेला खाके एयर होस्टेस बन गई, करेला खाके एयर होस्टेस बन गई। गोपी का पहली आदिवासी महिला है देश की, गोपी का पहली आदिवासी महिला है देश की जो करेला खाके एयर होस्टेस बन गई, करेला खाके एयर होस्टेस बन गई। देश का सबसे बड़ा रबल डैम, देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम। बस जल के डैम तो सुने, ये तो रबड़ का डैम आ गया।
यू तो जमाना गया भैया, यू तो गया, यू तो गया, यू तो गया, यू तो गया भैया, जमाना अलग ही चल रहा। बताओ दुनिया पानी के डैम बना रहा है, यू रबड़ के डैम बना रहा है, यू तो गया। बताओ पानी के डैम की जगह रबड़ के डैम बना रही, भारत तो गयो, बिहार तो गया भैया, बिहार तो गया, दुनिया पानी के डैम बना रहा है, यू रबड़ के डैम बना रहा। बताओ ए बेटा क्या होएगा, दीवार टूट जाएगी, पानी बह जाएगा। ए बेटा भाई डैम मतलब डैम जहां पे पानी भरते हो, ठीक है, जैसे हमारे आसपास भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल हिंदी में बांध कह दो, इंग्लिश में डैम कह दें, भाखड़ा नागल डैम है। अब एक बात तो डैम में तो बहुत सारा पानी आवे, तो उसको किससे बनाना चाहिए, पत्थर से बनाओ उसकी दीवारें, सीमेंट से बनाओ, कॉन्क्रीट से बनाओ, ये बनाने रबड़ से। भैया बिहार तो गया, जिस दिन डैम टूटेगा बिहार तो गया, रबड़ से डैम बना रहे, बता जिस दिन टूटेगा बिहार तो गया, बिहार तो गया भैया, रबड़ का डैम बना रहे हो, मरेंगे अपने आप, अपने आप मरेंगे बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा रवि कुमार, पिंकी सैनी, गुड मॉर्निंग। ठीक है बिहार तो गया भैया, दुनिया पत्थर के डैम बनावे, कंक्रीट के डैम बनावे, ये तो रबड़ के डैम बनाने, बिहार तो गया, बिहार तो गयो, बिहार तो गया। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य, देखो बेटा खाने की सुरक्षा के चक्कर में, खाने की सुरक्षा के चक्कर में बेटा मोदी जी के फ्री अनाज के चक्कर में तो सब बर्बाद हो गए, अब ले रहे 200 का तेल है, 150 का तेल। तो खाद्य सुरक्षा एटलस ध्यान से रखना बेटा, खाद्य सुरक्षा खाने के चक्कर में, फ्री फ्री नाज के चक्कर में, फ्री राशन के चक्कर में, एटलस कंपनी के चक्कर में फंस गए, ठीक है। तीसरे तीन तीन बार, तीन तीन लोग समझदार होने के बाद भी झाड़ में फंस रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। तीन जने खाद्य सुरक्षा के चक्कर में एटलस साइकिल पर जा रहे, झाड़ में गिर गए, फ्री नाज के चक्कर में कहाँ जा रहे, एटलस साइकिल से, खाद्य सुरक्षा खाने का वो लेकर राशन लेने एटलस साइकिल पर जा रहे, खाने का राशन लेने एटलस साइकिल पर जा रहे, तीन जने कहां गिर गए, झाड़ में। खाने का साधन लेने यानी कि खाद्य सुरक्षा का सामान लेने यानी कि राशन लेने, एटलस साइकिल पर तीन जने जा रहे हैं, एटलस साइकिल पर कितने जने जा रहे हैं, खाद्य सुरक्षा लेने, खाद खाने की सुरक्षा लेने, एटलस साइकिल पर तीन जने जा रहे हैं, एटलस साइकिल पर कहां गिर गए, झाड़ में, एटलस साइकिल पर तीन जने जा रहे हैं कहां गिर गए। तो तीसरे नंबर का राज्य तो बना झारखंड, और पहला है गुजरात, पहला है गुजरात, पहला गुजरात, पहले पे कौन सा, गुजरात, पहले पे गुजरात, तीसरा है झारखंड, पहला है गुजरात। अगर पूछ ले खाद्य सुरक्षा एटलस वाला पहला राज्य बताओ, तो पहला राज्य है गुजरात, पहला गुजरात, पहला गुजरात, पहला गुजरात, पहला गुजरात है, तीसरा झारखंड, तीसरा है झारखंड, तीसरा कौन सा, झारखंड। आगे चलते हैं बेटा, काजल रानी नमस्ते बेटा, हर घर जल, देखो बेटा हर घर जो जल योजना तो कई जगह चल रही है, लेकिन इसका प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य बना गोवा, प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य बना गोवा, हर घर में जल का प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य बना है गोवा, हर घर में जल, हर घर में जल का प्रमाण पत्र देने वाला, प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य है गोवा, हर घर में जल का प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य गोवा, हर घर में जल का प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य गोवा, हर घर में जल का प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य गोवा, पहला राज्य गोवा। अच्छा जी, भारत का पहला स्वदेशी, स्वदेशी जो अपने आप बनाया हो, ठीक है, स्वदेशी निर्मित, निर्मित बनाया मतलब विमान वाहक पोत, विमान वाहक पोत, तो पहली बात तो पोत किसे कहते हैं, पोत कहते हैं बेटा पानी का जहाज, जो नेवी, ठीक है, पानी के जहाज को क्या कहते हैं, पोत, यहां पे ध्यान रखना। और कैसा पोत चाहिए हमें, विमान वाहक, कैसा पोत चाहिए, ऐसा पानी का जहाज चाहिए जिस पर हवाई जहाज खड़े रहे, मैं लड़ाकू विमान खड़े रहे मैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर खड़े हो मैं ऊपर, ठीक है। तो INS विक्रांत, INS
INS विक्रांत, INS विक्रांत। तो बेटा भारत ने खुद बनाया, खुद किसने, विक्रांत ने भैया, विक्रांत ने ऐसा पोत बनाया है, विक्रांत ने ऐसा पोत बनाया, उस पर तुम हवाई जहाज खड़े कर लो, हेलीकॉप्टर खड़े कर लो, तोप रख लो, मिसाइल लगा लो, ऐसा पोत बनाया। किसने बनाया? विक्रांत ने। किसने बनाया? विक्रांत ने, INS विक्रांत। ठीक है, आगे देखो, गूगल द्वारा, गूगल द्वारा यातायात, यातायात के लिए जो वो है डाटा, यातायात डेटा कि कौन सी बस कहां है क्या है, सार्वजनिक करने वाला पहला शहर, सार्वजनिक यानी कि उस शहर का नाम बताओ जिसका यातायात का डाटा गूगल ने सार्वजनिक कर दिया हो, गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर। ठीक है, गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर, करने वाला पहला शहर। ठीक है बेटा, यानी कि उस पहले शहर का नाम बताओ जिसका यातायात का डाटा, कौन सी बस कहां से चलेगी, कब चलेगी, कहां है, सब कुछ गूगल पे मिल जाए, सब कुछ गूगल पे मिल जाए बेटा। तो क्या है बेटा? औरंगाबाद, औरंगाबाद। ऐसे तो भैया कहीं और ही मिलेंगे, ऐसे ऐसे शहर तो और ही मिलेंगे, औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद बेटा। कौन सा है? औरंगाबाद, औरंगाबाद। आगे चलता हूं बेटा। ठीक है, हर घर आरओ का जल, आरओ का जल भाई सब भर भर के तोलेंगे, आरओ का जल भर भर के तोलेंगे, आरओ का जल भर भर के तोलेंगे, आरओ का जल भर भर के तोलेंगे। करेल देखो, एक आदिवासी महिला, नाम है गोपिका, नाम है गोपिका, गोपिका एक आदिवासी महिला है, और आदिवासी महिला होने के बाद भी करेला खा के क्या बन गई? एयर होस्टेस। गोपिका भैया एक आदिवासी महिला, आदिवासी महिला कौन है? गोपिका। आदिवासी तो हमारी राष्ट्रपति भी है, आदिवासी तो हमारी राष्ट्रपति भी है। अगर हमसे पूछ ले पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो भैया द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। लेकिन भैया यहाँ पे गोपिका की क्या खासियत है? भैया आदिवासी तो यू है ही, इसी खासियत यू है, पर करेला खा के एयर होस्टेस बन गई। गोपिका आदिवासी तो है ही, लेकिन करेला खा के क्या बन गई? एयर होस्टेस। तो करेला खा के एयर होस्टेस बनने वाली पहली महिला गोपिका। ठीक है भैया, डैम बने पक्की पक्की दीवारों से, पानी बने पक्की पक्की दीवारों से, तो रुके पानी डैम में, तो दुनिया भर का पानी भरा रह रहा है आजकल। बिहार, बिहार तो गया भैया, बिहार ना बचे अब, बिहार तो गया। देख क्यों गया बताओ? रबड़ की डैम बना रहा, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहा, रबड़ की डैम। कल को रबड़ लीक हो गई है भैया, रबड़ की डैम ला रहा, बताओ रबड़ की डैम ला रहा, अपने आप भुगतेगा भैया। खाद सुरक्षा, खाने की सुरक्षा भैया, खाना लेने जाएंगे एटलस साइकिल पे, खाना लेने जाएंगे एटलस साइकिल पे, तीन तीन जने, तीन तीन जने कहां जाएंगे? गुजरात नहीं, सॉरी झाड़ में फंस गए, तीन तीन जने गए एटलस साइकिल पे, झाड़ में गिर गए, तीन तीन जने गए एटलस साइकिल में, कहां गिर गए? झाड़ पे। ठीक है, और पहला राज्य है गुजरात, पहले पहले गुजरात में गिरे है। ठीक है, हर घर जल, हर घर जल तो कई जगह योजना चल रही है, पर भैया इसका प्रमाण पत्र गोवा दे रहा, प्रमाण पत्र कौन दे रहा? प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य बना गोवा, प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य गोवा बना, प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य गोवा बन गया। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत, जिस पर विमान खड़े हो मैं, भैया विक्रांत ने बनाया, विक्रांत ने, INS विक्रांत, INS विक्रांत, INS विक्रांत। गूगल द्वारा यातायात डाटा चढ़ा दिया गया हो, गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक कर दिया गया हो, ऐसा पहला राज्य बना औरंगाबाद। और ही राज्य है भैया वो हमारा ना, और भैया ऐसा हम हमारे, हमारा डाटा गूगल पर मिल रहा, हमारा डाटा कोई गूगल पे मिल रहा है जी। ठीक है, आगे चलता हूं बेटा, क्या कह रहा हूं, आगे चलता हूं। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य, अच्छा जी, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य भैया गोवा, ओ केरल होना चाहिए, केरल, पढ़े लिखे केरल में, तो भैया पढ़े लिखे केरल में, अपना नेट किसको चाहिए? केरल वालों को। अपना नेट किसको चाहिए? केरल वालों को। अपना नेट किसको चाहिए? केरल वालों को चाहिए। अपना नेट किसको चाहिए? केरल वालों को।
अपना नेट किसको चाहिए? केरल वालों को चाहिए भैया। अपना खुद का नेट बना गेरा करेले खा खा के इन्होंने, अपना खुद का नेट बना गेरा। एक तो करेले खा खा का क्या बनी, मैंने अभी बताया एयर होस्टेस बन गई गोपी का बनी ना, करेले खा खा के एयर होस्टेस, आदिवासी महिला पहली महिला। और यहाँ करेले खा का खुद का नेट बना दिया, यहाँ करेले खा का भाई करेले में बड़ी जान है, खून भी साफ कराए, करेला खाओगे करेला, करेले में बड़ी जान है। देखो ये खुद का नेट बना लिया, करेले में बड़ी जान है, खुद का नेट बना लिया। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अच्छा जी, भारत की पहली बाली का पंचायत, भैया बाली का पंचायत चुनाव गुजरात में, तो गुजरात में लग रही होगी, कहां लग रही है? गुजरात में। बालिका को पंचायत, बालिकाओं की पंचायत लग रही है गुजरात में, कि अब क्या मोदी सरकार बदल दो है, क्या लग रही है? बालिकाओं की पंचायत लग रही है गुजरात में, क्या कि अब क्या मोदी ताऊ को बदल दो, अब क्या बदल दो, ठीक है। तो बालिका की पंचायत क्या लग रही है? गुजरात में। कहां लग रही है बालिकाओं की पंचायत? गुजरात में। कहां लग रही है बेटा? गुजरात में लग रही है। कहां लग रही है? गुजरात में लग रही है भैया, गुजरात में। अच्छी है, आधी बालिका कह रही है ना वापस लांगे सरकार को, आधी क्या कह रही है जान दो जान दो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब पंचायत लगानी पड़ रही है, फैसला करना पड़ रहा है कि सरकार को भेजे या लामे, ठीक है। तो पंचायत लग रही है गुजरात में, कहां लग रही है पंचायत, ठीक है। बालकों की तो कोई सुनता ना, लौंडो को तो आवारा समझे, मार मार के भगा दें। तो बालिकाओं की पंचायत लग रही है गुजरात में, हमारा किसकी लग रही है? बालिकाओं की लग रही है भैया, बालिकाओं की। जैव विविधता, अब ये जैव विविधता क्या, जैव विविधता बेटा जहां अलग अलग तरीके के पेड़, अलग अलग तरीके की वनस्पति, अलग अलग तरीके की घास फूस पाई जाए, ठीक है, अलग अलग वैरायटियां पाई जाए शहर में, ऐसी वैरायटी वाला पहला मेट्रो शहर। मेट्रो शहर, अभी मेट्रो शहर क्या, मेट्रो शहर जो आधुनिक शहर होता है बेटा, जैसे दिल्ली मेट्रो चली हुई है, मुंबई, ठीक है, रैपिड मेट्रो, ये चीजें आधुनिक शहर को कहते हैं मेट्रो शहर, ठीक है, आधुनिकता से जुड़ा हुआ शहर हो, आबादी थोड़ा बड़ी हो, उसे कहते हैं मेट्रो शहर। तो मेट्रो शहर इन्होंने कहा कोलकाता को, कोलकाता जैव विविधता से भरा हुआ मेट्रो शहर जिसे रजिस्टर्ड किया गया है कोलकाता, कौन सा है? कोलकाता, ठीक है। शहर तो बहुत सारे होंगे पर इसे रजिस्टर्ड कर दिया गया, इसे इस नाम की मोहर लग गई है इसकी, रजिस्टर्ड कर दिया गया इसे। देश का पहला ग्रीन फील्ड, अब कैसा ग्रीन फील्ड है ये मैं बताता हूं, ग्रीन फील्ड अनाज, एथेनॉल संयंत्र। देखो बेटा ग्रीनफील्ड अनाज से, ग्रीनफील्ड अनाज जैसा बेटा सड़ा हुआ कूड़ा कचरा इस तरीके से बचता है ना, ठीक है, और ऐसी बचता पुराना खाना, हमारा खाना बच जाता जैसे कल का बासी, तो हम क्या करते थे बेटा उसे खलके में डाल देते हैं, खलके में डाल देते हैं, हमारे जानवर खा लेते हैं। लेकिन यहां तो कुछ अलग ही हो रहा है बेटा, नए नए काम नामे हो रहे, ग्रीनफील्ड अनाज से एथेनॉल संयंत्र चलाया जा रहा, क्या चलाया जा रहा है? एथेनॉल संयंत्र, यानी कि एथेनॉल बनाई जा रही है गैस, एथेनॉल गैस बनाई जा रही है। कहां पे ऐसा? पूर्णिया में। कहां पे ऐसा? पूर्णिया, ऐसा था बिहारी कर सके, ये पूर्णिया वाला बिहारी ऐसा कहां के कर सके, पूड़ी खाकर बिहारी कर सके। तो ग्रीनफील्ड अनाज में किसकी गिनती होगी? पूड़ी की, पूर्णिया, पूड़ी, ग्रीनफील्ड अनाज, अनाज में गिनती आ रही है पूड़ी की, पूर्णिया, पूर्णिया। वैक्यूम सफाई, वैक्यूम से सीवर, वैक्यूम आधारित सीवर की सफाई, इसकी ट्रिक बताई ही, वैक्यूम आधारित सीवर की सफाई, सीवर, ठीक है, सीवर कहते हैं नाली। अब नाली हमारे यहाँ तो नाली खुली होती है, दिल्ली में देखा होगा तुमने पाइप डल जावे सड़क के बीच में, उसी में कूड़ा कवरा सब चीज, लैट्रिन का, बाथरूम का, उसी में जावे, सब टैंक बनाने की जरूरत नहीं है वहां। तो सीवर की वैक्यूम से सफाई करेंगे कहाँ के? आगरा वाले, आगरा, आगरा वाले, आगरा वाले वैक्यूम से सफाई करते हैं, आगरा वाले सीवर की सफाई कौन करते हैं? आगरा वाले। आगे चलता हूं, पहली बालिका पंचायत, बालकों की पंचायत जुड़ रही है गुजरात में, बालकों की पंचायत, जैव विविधता वाला शहर कोलकाता बन गया, कलकत्ता, कलकत्ता में जैव विविधता है, कलकत्ता में जैवों की विविधता है, ग्रीनफील्ड अनाज में गिनती हो रही है पूड़ी की, पूर्णिया, ग्रीनफील्ड अनाज में गिनती हो रही है पूड़ी की, पूर्णिया, पूर्णिया। वैक्यूम आधारित सफाई हो रही है बेटा आगरा में, वैक्यूम आधारित सफाई हो रही है आगरा में, वैक्यूम आधारित सफाई किस में हो रही है? आगरा में हो रही है, आगरा में, आगरा में। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, हर गांव में
पुस्तकालय वाला जिला, हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला कौन सा बना? जिला, ठीक है भैया। अगर जिले के हर गांव में, हर गांव में पुस्तकालय खुल गया, एक लाइब्रेरी खुल गई, तो समझ लेना देखने वाले इतने आएंगे, इतने आएंगे, जाम लग जाएगा। जाम ताड़ा, सब ताड़ में को आएंगे, जाम ताड़ा। हाँ बिल्कुल सही है, जाम ताड़ा। कुछ तो झाड़ में भी गिर जाएंगे, झारखंड, इतनी भीड़ लगेगी, कुछ तो झाड़ में भी गिर जाएंगे, इतनी भीड़ लगेगी, कुछ तो झाड़ में भी गिर जाएंगे, इतनी भीड़ लगेगी, कुछ तो झाड़ में भी गिर जाएंगे, कुछ तो झाड़ में भी गिर जाएंगे बेटा, झाड़ में भी इतनी भीड़ लगेगी। जिले के हर गांव में लाइब्रेरी, जिले के हर गांव में लाइब्रेरी, भैया देखने वाले इतने आएंगे, इतने आएंगे, जाम लग जाएगा। जाम ताड़ने वालों का जाम लग जाएगा, ताड़ने वालों का अगर जिले की हर उसमें लग गई, जाम लग जाएगा। झारखंड में झाड़ में भी गिर जाएंगे कुछ तो। भारत का पहला अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, सरोवर कहते हैं तालाब को, अमृत मतलब अमृत से भरा हुआ, भैया राम जी के पास है और राम का जन्म हुआ यूपी में, राम का जन्म हुआ यूपी में। अमृत सरोवर, अमृत तो राम के पास है भैया, अमृत है राम के पास, अमृत का तालाब, अमृत का सरोवर है राम के पास, अमृत का तालाब है राम के पास, और राम जी का जन्म हुआ यूपी में, रामपुर यूपी, रामपुर यूपी, अमृत है राम के पास, रामपुर, अमृत है राम के पास। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है इक्वाडोर, इक्वाडोर। वो सबको एक ही डोर से देख रहा, इक्वाडोर, इक मतलब एक, एक ही डोर से देख रहा, बता जानवरों को और इंसानों को एक ही डोर से देख रहा, बता जंगली जानवरों को भी कानून दे दिया, जंगली जानवरों को भी सुरक्षा का कानून दे दिया, एक ही डोर से देख रहा सबको, एक ही डोर से, इक्वाडोर ऐसा देश है पहला, इक्वाडोर, सबको एक ही डोर से देख रहा, बताओ सबको एक ही डोर से देख रहा, सबको एक ही डोर से देख रहा मेरे प्यारे बच्चों, सबको एक ही डोर से, इक्वाडोर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, कार्बन न्यूट्रल यानी कि जहां कार्बन बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया, कम कर दिया, ऐसी पंचायत बताओ भैया। हमने पल्ली यूज, पल्ली जलाए करे वो पल्ली, ठीक है, पल्ली का जलाना ही रोक दिया, ठीक है, पराली जलाए करे ना, तो हमने पराली, पल्ली जलाने का काम ही रोक दिया। कहां पे है ये पल्लीग्राम? पल्लीग्राम है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के पल्लीग्राम, पल्ली जलाने से, रोकने से भैया पूरा गांव साफ हो गया, बिल्कुल कार्बन नहीं है उस गांव में, बिल्कुल भी कार्बन नहीं है, पिन्नी बिन्नी नहीं है वहां पे, ये जलती नहीं है चीजें, ठीक है, ठीक है बेटा। देखो बेटा, हर गांव में पुस्तकालय, अगर भैया हर गांव में पुस्तकालय खुलेगा, पूरे जिले की बात कर रहा है वो, हर गांव का अलग है, हर गांव के लिए अलग से आएगा, हर गांव के लिए अलग आएगा, पूरा जिले के हर गांव में अगर खुल गई हो तो भैया जाम लग जाएगा, जाम ताड़ा, झारखंड। अमृत राम जी के पास है, अमृत का सरोवर राम, अमृत का सरोवर राम, तो रामपुर, रामपुर कहाँ के राम? यूपी के। जंगली जानवरों को भी अधिकार दे दिया भैया, सबको एक ही डोर से देख रहा, इक्वाडोर, सबको एक ही, जानवरों को भी बताओ और इंसानों को एक ही डोर से देख रहे। कार्बन न्यूट्रल होएगा जब पल्ली नहीं जलेंगी, जब पल्ली नहीं जलेंगी, जम्मू कश्मीर में रुक गई बेटा जलनी, ठीक है, जब पल्ली नहीं जलेंगी। डिजिटल, डिजिटल बस चलेंगी महाराष्ट्र में, डिजिटल बस, अरे हम तुम कहां बैठे हैं, इसमें तो हीरो हीरोइन बैठे हैं। महाराष्ट्र, डिजिटल बस चलेंगी महाराष्ट्र में, डिजिटल बस चल गई महाराष्ट्र में, डिजिटल बस महाराष्ट्र में, डिजिटल बस महाराष्ट्र में। भारत की पहली कागज रहित, कागज रहित विधानसभा, विधानसभा तो भैया बहुत जगह है, लेकिन कागज खा गए नाग, कागज खा गए नाग, कागज खा गए नाग, नागालैंड। तो क्यों कागज रहित क्यों है? क्योंकि सारा काम अभी यहां कंप्यूटर से होता, सारा काम किससे होता बेटा? कंप्यूटर से। कागजों से अब काम नहीं होता, काम किससे होता? कंप्यूटरों से। काम किससे होता? कंप्यूटरों से, ठीक है। तो भैया कागज खा गए नाग, किस विधानसभा के कागज नाग खा गए? किस विधानसभा के कागज नाग खा गए? कागज खा गए नाग, नागालैंड के खा गए भैया, तो इसलिए वो होगी कागज रहित, इसलिए होगी वो कागज रहित, अब कागज यूज नहीं होता वहां, इसलिए वो होगी कागज रहित, इसलिए वो होगी कागज रहित। वर्ल्ड पीस सेंटर, वर्ल्ड पीस सेंटर, वर्ल्ड पीस सेंटर, शांति बनाएंगे गुरु, शांति बनवाएंगे गुरु,
गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। शांति वर्ड पीस, पीस मतलब शांति, शांति का ज्ञान देंगे गुरु, शांति का ज्ञान देंगे गुरु, शांति का ज्ञान कौन देगा गुरु, ठीक है। हर गांव में पुस्तकालय खुल गया पूरे जिले में, तो जाम लगेगा, जाम ताड़ा जिले में क्या लगेगा, जाम लगेगा, झाड़ में फंस गए, अमृत पियेंगे राम जी, अमृत पी गए राम जी, राम जी का जन्म हुआ यूपी में रामपुर यूपी, अमृत पी गए राम जी। जंगली जानवरों को इक्वाडोर, जंगली जानवरों को भी एक कानून दे दिया, ये तो सबको एक ही डोर से नाप रहे हैं। कार्बन, अगर देखो पल्ली में आग ना लगाओ, गांव में जब पल्ली हो उनमें आग लगाते हैं जब कार्बन फैले, पल्ली में आग मत लगाओ फैलने का ना, ठीक है। डिजिटल बस चलेंगी महाराष्ट्र में, डिजिटल बस महाराष्ट्र में। कागज, कागज खा गए नाग, कागज रहित विधानसभा नागालैंड, कागज खा गए नाग। पीस, पीस शांति के बारे में बता रहे हैं, वर्ल्ड दुनिया में शांति के बारे में सेंटर खोले गुरुओं ने, शांति के लिए सेंटर किसने खोले गुरुओं ने, शांति के लिए सेंटर किसने खोले दुनिया में, शांति के लिए वर्ल्ड पीस सेंटर गुरु ने किसने खोले, गुरुओं ने, किसने खोले गुरुओं ने। एल्कोहल म्यूजियम, एल्कोहल सबसे ज्यादा शराब कहाँ पे है, एल्कोहल भैया सबसे ज्यादा तो गुजरात में है, पर यहाँ तो गोवा है, ठीक है। बताओ दारू के सेंटर ही खोल दिए, दारू के सेंटर तो बड़ी बात नहीं है, दारू के सेंटर तो हर जगह, म्यूजियम खोल दिए गोवा में तो, म्यूजियम दारू के म्यूजियम खोल दिए, बताओ दारू के म्यूजियम गोवा ने, दारू के म्यूजियम खोल दिए गोवा ने, दारू के म्यूजियम खोल दिए गोवा ने, दारू के म्यूजियम गोवा ने। सबसे बड़ा इग्लू कैफे, इग्लू बर्फ के घर, इग्लू कैफे बर्फ कहाँ पड़ेगी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो इग्लू कैफे कहाँ खुलेंगे जम्मू कश्मीर में, इग्लू कैफे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, भारत का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम, एल्कोहल के म्यूजियम भैया गोवा वालों ने खोल दिए, बताओ शराब के भी म्यूजियम खोल दिए, और सबसे बड़ा इग्लू कैफे, इग्लू कैफे खुला जम्मू कश्मीर में, इग्लू कैफे खुला जम्मू कश्मीर में, ठीक है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना, जल के अंदर मेट्रो, जल मेट्रो परियोजना, भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना भैया, जल के अंदर मेट्रो चलेगी, इसकी सलाह मैं दी कोच ने, कोच्ची, इसकी सलाह किसने दी, कोच ने दी भैया, कोच ने, कि करेला खाओ जल के अंदर मेट्रो चलाओ, कोच ने सलाह दी करेला खाओ जल के अंदर मेट्रो चलाओ, कोच ने क्या सलाह दी, करेला खाओ जल के अंदर मेट्रो चलाओ, कोच ने सलाह दी करेला खाओ जल के अंदर मेट्रो चलाओ, करेला खाओ जल के अंदर मेट्रो चलाओ कोच ने। भारत का पहला हेली हैब, हेली हैब हमें ना पता ही हेली क्या हुआ है, हेली हैब, चलो जी इसे कैसे याद करेंगे, हेली गुरु ने जो शांति सेंटर लगाया तो उसमें गई ही, हेली हैरी तू गई गुरु, गुरु ने जो शांति सेंटर लगाया हरियाणा में तू गई ही, वो कह रही है हाँ मैं गई, हाँ हेली, हाँ हैब गई मैं, हाँ हेली तू गई, गुरु ने जो सेंटर लगाया वो कह रही है हाँ मैं गई। एल्कोहल म्यूजियम हो गया गोवा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित, निजी भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट, ये जो क्रायोजेनिक है बेटा ये इंजन की एक विधि है, क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम पूछा इसने, क्रायोजेनिक रॉकेट, धवन वन, धवन वन, तो ये एक इंजन की विधि है, इंजन कई तरीके के होते, क्रायोजेनिक रॉकेट बनाया उसका नाम है धवन वन, अपना बनाया निजी पर्सनल, भारत ने अपना रॉकेट बना लिया, भारत ने अपना रॉकेट, वो भी कैसा, क्रायोजेनिक इंजन का, भारत के अपने रॉकेट पहले भी है लेकिन क्रायोजेनिक इंजन नहीं था, क्रायोजेनिक इंजन का रॉकेट जो बनाया धवन, ठीक है, शेखर धवन, आजकल क्रायोजेनिक इंजन की तरह काम कर रहा, कल शतक मार दिया देखा उसने, हैं ठीक है, अब सबकी कमेंट आएगी ना मारा, अबे मेरे को भी पता ना मारा, ठीक है, लेकिन धवन पहले वाले ने तो मार रखा, अब तो टकले पे बिचारे पे लगता ना, पहले तो मार रखा क्रायोजेनिक रॉकेट, तो धवन किस में बैठ के आया, क्रायोजेनिक रॉकेट में, शेखर धवन किस में बैठ के आया, क्रायोजेनिक रॉकेट में बैठ के आया। विश्व का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला ड्यूल मोड व्हीकल, ड्यूल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला पहला देश, ड्यूल मोड व्हीकल जापान, अभी ड्यूल मोड व्हीकल क्या है, देखो ड्यूल मोड व्हीकल है जैसे एक एक साथ दो सॉफ्टवेयर काम करेंगे उस व्हीकल में, ड्यूल मोड जैसे कहते हैं आपका ड्यूल सिम, ड्यूल सिम का मतलब क्या, दो दो सिम एक साथ काम करेंगे, यहां ड्यूल मॉडल, तो ड्यूल मॉडल
लाने वाला किसमें? वाहनों में। विश्व का पहला ड्यूल मॉडल, पहला ड्यूल मॉडल व्हीकल, व्हीकल बोले तो ठीक है, वाहन किसने बनाया? जापान ने। ड्यूल मॉडल व्हीकल किसने बनाया? ड्यूल मॉडल, ड्यूल मॉडल व्हीकल बनाया भैया जापान ने, ड्यूल मॉडल, ठीक है, ड्यूल मोड, सॉरी मॉडल नहीं, मोड, ड्यूल मोड, ड्यूल मोड, दो दो मोड पर चलेगा वो, दो दो मोड पर चलेगा जापान। इतनी टेक्नोलॉजी तो जापान में ही है, दो दो चीज एक साथ जापान में ही है। अगला देखो, भाई ये क्या कहना चाह रहा मैं समझ नहीं पा रहा, अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी कामयाबी है बेटा ये। अभी मैं समझाता हूं आपको एक बार ढंग से, इसे पढ़ लूं। ये कहना चाह रहा है भारत का पहला सैनिटरी और नैपकिन मुक्त गांव, ना तो यहां सैनिटरी प्रयोग होती है ना नैपकिन प्रयोग होती है, इससे मुक्त गांव बन गया है। तो मुक्त गांव सैनिटरी से और नैपकिन से अगर मुक्त गांव बना तो इन्होंने इसका मतलब कोई और टेक्नोलॉजी लाए, वो कोई और टेक्नोलॉजी लाए। सैनिटरी बोले तो बेटा सैनिटरी बोले जैसे बच्चों के डायपर, नैपकिन बोले तो रुमाल जैसे शादी ब्याह में वो चलते हैं हाथ वाथ साफ करने के लिए, उनसे मुक्त गांव बन गया, उनसे मुक्त, इसका मतलब कोई और टेक्नोलॉजी लाया इन चीजों के लिए, ठीक है। तो कुछ धमाल कर दिया इन्होंने, और ऐसा गांव कौन सा है? पढ़े लिखे आदमी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं पढ़े लिखे ये कुछ करके मानेंगे। कुंबल, कुमलांगी गांव केरल, ठीक है। तो बेटा इन्होंने क्या करा, सैनिटरी और नैपकिन को कुंबल करके निकाल दिया, कुंबल कर लिया, कहते ना जब चोरी करें तो क्या कहें, कुंबल होगा है, कुंबल कर लिया। तो भाई सब मुक्त कैसा हो गए सैनिटरी और नैपकिन? भैया सैनिटरी और नैपकिन को चोर कुंबल करके ले गए केरल वाले के, केरल वालों के जो सैनिटरी और नैपकिन है उन्हें कुंबल करके ले गए, कुंबल, कुंबल कर लिया घर में, कुंबल कर लिया, सैनिटरी ले गए भैया, नैपकिन ले गए, सैनिटरी ले गए और नैपकिन ले गए, सैनिटरी ले गए और नैपकिन ले गए, सैनिटरी ले गए और नैपकिन भी ले गए, सैनिटरी ले गए और नैपकिन भी ले गए, ठीक है। थोड़े से और रह रहे, एक तरफ के खत्म हो जाएंगे, एक तरफ के कल करा दूंगा, ठीक है, एक तरफ के कल करा दूंगा, बस थोड़ी देर और जुड़े रहो। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, अभी मैंने आपको एक चीज बताई जिसमें झारखंडा पहले पे, उसमें भी तो खाद्य सुरक्षा की बात कर रहा है एटलस की, तो उसे भी देख लेते हैं बेटा कौन सा वो झारखंड वाला, तो उसमें खाद्य सुरक्षा एटलस वाला भारत का तीसरा राज्य है, खाद्य सुरक्षा एटलस, यहां पे भारत का पहला खाद्य सुरक्षा एटलस नहीं है, संग्रहालय मतलब जहां इकट्ठा करके रखा गया हो खाना, जहां इकट्ठा, अगर एटलस आ जाता तो पहला राज्य गुजरात हो जाता, खाद्य सुरक्षा एटलस का पहला राज्य कौन सा हो जाता? गुजरात। पर यहां एटलस नहीं आ रहा, एटलस नहीं आ रहा, ध्यान रखना, तो कौन सा हो जाएगा बेटा? तंजावर, तंजावूर, तमिलनाडु, तंजावूर खाद की सुरक्षा करेगा, तंजावूर, तंजा सा तो खाना, तंजा, तंजावूर संग्रहालय कहां खुलेगा खाद सुरक्षा का? तंजावूर में, तंजावूर, भैया खाद की सुरक्षा के नाम पर कहां सा संग्रहालय मंग्रहालय बना मैं, तंजावूर, खान खाने का सुरक्षा कुछ ना देते, तंसाबूर दे दें, बूर दे दें, आटे की जगह बूरी दे मैं, आटे की जगह बूरी दे मैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं हमें, क्या दे मैं, बूर दे मैं, क्या दे मैं, बूर। भारत द्वारा निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट, भारत द्वारा निर्मित, भैया खाद्य सुरक्षा संग्रहालय के नाम पर तंसाबूर दे मैं, तंजाबूर, तंसाबूर दे दे, तनकसाबूर, आटा भी ना देते, पूरा तनकसाबूर दे दे, हम कोई जानवर है जो बूर ले मैं, तमिलनाडु वाले ये नए नए कारनामे करे। भारत द्वारा निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट, उनका तो कैड़े से आ गए दोनों क्वेश्चन एक साथ है,
ओमी श्योर। कल बेटा टाइम से क्लास चलानी पड़ेगी, आज यही रोक देंगे, कभी लेट हो जाए बच्चे कोचिंग आने के लिए भी, ठीक है। एक तरफ के टॉपिक मैंने निपटा लिए, एक तरफ के कल निपटा दूंगा, ठीक है। कल थोड़ा जल्दी चल जाऊंगा, आज थोड़ा उठा तो टाइम से ही है बेटा, पर आने में लेट हो गया, ठीक है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, खाद की सुरक्षा भैया तंजावुर देता है, तंजावुर देता है उसके नाम पर बेवकूफ बना मैं। भारत द्वारा निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट, ओमिक्रॉन किट भैया ओसे ओमिक्रॉन की जगह हो जाएगा श्योर, ओमिक्रॉन किट चाहिए श्योर हो ना, ओमी की किट चाहिए श्योर हो ना। जैसा अलग अलग कंपनी की होती है, कोई कहेगा भैया डिस्प्रिन फिस्प्रिन, ऐसे यहाँ पे क्या कह रहा, ओमी की किट चाहिए ना, ओमिक्रॉन की श्योर हो ना, बिल्कुल ओमी की किट चाहिए, बिल्कुल श्योर हो ना, मन की हाँ ओमी की किट चाहिए, बिल्कुल श्योर है, ओमी की किट चाहिए, बिल्कुल श्योर है, ओमी की किट चाहिए, बिल्कुल श्योर है, ठीक है बेटा। इससे आगे इसी टॉपिक को कल चलवाएंगे बेटा, कल इससे आगे कंटिन्यू करवाऊंगा, ठीक है, कल इससे आगे कंटिन्यू करवाएंगे बेटा, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, मिलते हैं जल्दी से, ठीक है, ओके।